بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر امتي من 60 سنه الى 70 او كما قال عليه الصلاه والسلام हम सब बड़े खुश नसीब है इस बात पर कि अल्लाह ताला ने एक नूरानी मजलिस कायम करने की तौफीक अता फरमाई। दिखने में बड़े छोटी मजलिस है लेकिन अल्लाह के नज़दीक इस मजलिस का एक मकाम और एक वक़ार है कि जहाँ पर दीन और इस्लाम की बात की जाती है वहाँ पर अल्लाह ताला अपने फरिश्ते भेजते हैं और उन लोगों की हिफाजत की जाती है। जब तक वो अल्लाह का नाम लेकर उस मजलिस में बैठते हैं अल्लाह ताला अपने फरिश्ते भेजकर उन लोगों की हिफाजत करवाते हैं और फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करते हैं। यहाँ पर जमा होने का एक मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने इल्म में से कुछ इल्म अता कर दे, थोड़ी बहुत कुछ जानकारी हमें मालूम हो जाए। इस्लाम के मोटे मोटे जो फराइज़ है, जो अरकान है और जो वाजिबात है वो हमें पता चल जाए। यहाँ जमा होने का एक मकसद यही है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया या अय्युहल लदीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला का भी एक अंदाज़ है। जब वो ईमान वालों से मुखातब होता है तो कुछ और अल्फाज में मुखातब करता है, जब अल्लाह ताला काफिरों से मुखातब होता है उनको कोई मैसेज देना होता है तो अल्लाह ताला कुछ और नाम से उन्हें पुकारते हैं, जब काफिर और ईमान वाले दोनों को मैसेज देना हो, दोनों को कोई पैगाम देना हो तो उन्हें कुछ और नाम से पुकारते हैं। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह का एक निज़ाम है और उसका एक अंदाज़ है। हर आदमी का अपना एक अंदाज़ होता है। अल्लाह ताला का अंदाज़ अजीब व गरीब। अल्लाह ताला जब किसी उमूमी पैगाम अगर भेजना चाहे तो कुरान करीम कहता है या अय्युहन नास, ए लोगों, उमूमी बात है, हर एक के लिए है। जब अल्लाह ताला फर्क करते हैं कि एक मैसेज सिर्फ काफिरों के लिए है तो अल्लाह ताला उस वक्त कहते हैं कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, यानी मुसलमान से मुखातब नहीं है भी। जब अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब होते हैं तो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए मोमिनों। जब अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से मुखातब होते हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं तो कहते हैं या अय्युहर्रुसुल, ए रसूलों की जमात। और जब अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते हैं तो कहते हैं या अय्युहन्नबी, या अय्युहन्नबी। अल्लाह ताला कुरान करीम में लोगों को मुखातब करके फरमाते हैं, उमूमी है, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, ए लोगों, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कुछ भी हो, किसी भी फिरका से उसका ताल्लुक़ हो, अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें अगर पूजा पाठ करनी है, तुम्हें अगर उसकी इबादत करनी है तो अपने रब की करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। अगर तुम किसी की बंदगी करना चाहते हो तो उस रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा को पैदा किया। तुम्हारी जो नस्लें चली आ रही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो नस्ल अब तक चली आ रही है, इन लोगों को जिसने पैदा किया है तुम उसकी इबादत करो, क्योंकि सिर्फ पैदा करके अल्लाह ने छोड़ नहीं दिया इंसान को। अल्लाह ने पैदा करने के बाद कितने काम अंजाम दिए हैं कुरान करीम उसे भी बयान करता है। सूरह रहमान पढ़िए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान,
خلق الانسان علمه البيان, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रहमान जिसने कुरान करीम को सिखाया, खलक अल इंसान उसने इंसान को बनाया, बनाने के बाद अल्लामहुल बयान गूंगा नहीं छोड़ा, उसको अपाहिज नहीं छोड़ा, उसको लंगड़ा लूड़ा नहीं छोड़ा, बल्कि उसको बोलने की ताकत दी, उसके हाथ में ऐसी कुव्वत पैदा कर दी तो वो इंसान हर एक चीज को पकड़ सकता है, पैर में ऐसी सलाहियत दी कि वो दौड़ सकता है, जबान में ऐसी सलाहियत दी कि वो बात कर सकता है, नाक में ऐसी सलाहियत दी कि वो खुशबू और बदबू में फर्क कर सकता है, आंखों में ऐसी सलाहियत दी कि वो दूर की चीजों को करीब से देख सकता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ पैदा करके, सिर्फ बना कर नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे औसाफ इंसान के अंदर फिट कर दिए हैं कि आज साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है। साइंस और कुरान को अगर हम मिलाकर चलेंगे तो आज डॉक्टरों की जो रिसर्च है हूबहू वो सादिक आई जो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान करीम में उतारा। अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को, बनाने के बाद इंसान की जमात को कंट्रोल करने के लिए, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अपना एक मैसेंजर भेजा है, अपना एक पैगंबर भेजा है, अपना एक रसूल, अपना एक नबी भेजा है, ताकि वो इस जमात को संभाल सके। और जो अल्लाह के कवानीन है, अल्लाह अपने कवानीन उनके ऊपर खोलेंगे, वो हम तक पहुँचाएंगे, वो अल्लाह के नबी हम तक इस कवानीन को पहुँचाएंगे। अल्लाह ने नबी को दुनिया में इसीलिए भेजा, अल्लाह ताला जब किसी नबी को किसी कौम के पास भेजता है तो उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि ये कौम, ये जमात, ये लोग अल्लाह से कैसे अपना ताल्लुक जोड़ लें, अल्लाह से कैसे अपना ताल्लुक जोड़ें, ये नबी उसका तरीका बताता है। लेकिन जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी पे उतर आती है, जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी करके अपने दिलों को सियाह कर लेती है और जमीन को नापाक कर देती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को अजाब में मुब्तला करते हैं और हालात तबाह और बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी, आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी से वादा लिया था कि मैं आपकी उम्मत को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आपकी उम्मत को कभी आजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। अलबत्ता मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएगी, लेकिन उसका हल भी अल्लाह ताला ही देंगे। आप देखेंगे, कुरान करीम पढ़ेंगे कि पिछले जमाने में जितने नबी गुजरे हैं, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ये तमाम पैगंबर हैं, 124,000 पैगंबर दुनिया में आए और चले गए, उनकी उम्मतें आई और चली गई, हमारे नबी आए और इस दुनिया से रहलत फरमा गए, लेकिन उनकी उम्मत आज तक बाकी है, आज तक बाकी है। क्यों? अल्लाह ताला ने अपने नबी से वादा लिया था, लेकिन जिस नबी से अल्लाह ने वादा नहीं लिया, अल्लाह ने उनकी कौम को हलाक किया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं, जब वो अपनी कौम के पास आए और समझाने लगे कि तुम बुतों की इबादत को छोड़ दो, तुम क्या पूजा पाठ करते हो, मंदिरों में सजदे करते हो, गैरुल्लाह को करते हो, तो बुतों ने कहा, कौम ने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमें एक निशानी चाहिए, हमें प्रूफ करें, हमें साबित करके दिखाएं कि आप अल्लाह के वाकई पैगंबर हैं, हम जिस चीज का मुतालबा आपसे कर रहे हैं आप वो चीज हम तक ला कर दिखाएंगे तो हम आपको मान लेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात को रखते हैं और तुम्हारा जो मुतालबा हम उसे पूरा करेंगे, तुम्हारी जो मांग है हम उसे पूरा करेंगे। कौम ने कहा कि सामने एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर से हमें एक ऊँटनी चाहिए, ऊँटनी चाहिए,
और वो ऊँटनी भी ऐसा हो कि उसके पेट में बच्चा हो, और वो पहाड़ से चीर कर बाहर निकले और बच्चा दे, फौरन बच्चा जने। हमें ऐसी ऊँटनी चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह मेरी कौम ने ऐसा मुतालबा किया है, ये डिमांड है मेरी कौम के, आप इसे पूरा फरमा दीजिए और मुझे सादिक इनके सामने कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फौरन उनकी दुआ कबूल की। दुआ कबूल करने के बाद पहाड़ से पहाड़ फटा, फटने के बाद पहाड़ से ऊँटनी बाहर आई और उसके पेट में 9 माह की एक बच्ची थी, पेट में ऊँटनी की बच्ची, और वो ऊँटनी ने आके बच्चा जन्म दिया। लोगों ने देखा यह मंजर, लोगों ने देखा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखा और नबी का मौजिजा देखा, लेकिन मानने वालों ने माना और ना मानने वालों ने इनकार की। अब अल्लाह का निजाम यहाँ पर यह था कि जब कोई कौम किसी चीज का मुतालबा करती है, मुतालबा करने के बाद फिर भी वो ईमान ना लाए, अल्लाह का निजाम ये कि वो फौरन हलाक और तबाह बर्बाद कर देता है अल्लाह। क्योंकि अभी आपने हमसे मुतालबा किया है कि हम मान लेंगे, फिर भी देने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, तो अल्लाह को बड़ा गजब और गुस्सा आता है। अल्लाह ने फौरन 3 दिन की मोहलत दी उनको, 3 दिन तुम्हारे पास टाइम है, अगर अब भी तुम बाज नहीं आए तो तुम्हारे ऊपर ऐसा आजाब आएगा कि यकायक तुम फौत हो जाओगे, तुम सारे मर जाओगे। और हुआ ऐसा ही। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी ऊँटनी को एक जगह पर रख दिया, रखने के बाद उनके भी जितने जानवर थे सबको पानी पिलाने के लिए एक एक दिन मुतय्यन कर दिया कि आज मेरी ऊँटनी पानी पिएगी, कल तुम्हारे जितने जानवर है सारे पानी पिएंगे उस तालाब से, उस कुआं से, फिर परसों मेरी सिर्फ एक ही ऊँटनी पानी पिएगी, तुम्हारे जानवरों में से कोई जानवर पानी नहीं पिएगा, और उसके बाद सिर्फ तुम्हारे जानवर पिएंगे। उन्होंने चालाकी ये की, रोजाना परेशान हो गए पानी पिला पिला के। उन्होंने एक मशवरा ये किया कि हम क्यों ना इस ऊँटनी को काट देते हैं, ऊँटनी को ही ख़त्म कर देते हैं, पानी पिलाने का झमेला ख़त्म। उन्होंने देखा कि रात का वक्त है, कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, अच्छा मौका है कि हम ऊँटनी को कत्ल कर दें और साले और उसकी बीवी को भी कत्ल कर देंगे जो नबी है, ताकि मामला ही क्लियर हो जाए। उन्होंने मौका को गनीमत समझा और ऊँटनी के टांग को काट दिया। काटने के बाद हजरत साले अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये मामला हुआ है, और उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ऐसा मामला है, अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक उनकी नाफरमानी को देखते हुए ऐसा आजाब भेजा कि सारे तबाह और बर्बाद हो गए, तबाह और बर्बाद हो गए। बताना यह है कि जिस कौम के अंदर अल्लाह की नाफरमानी बढ़ेगी, जिस कौम के अंदर अल्लाह की इताअत का पामाल किया जाएगा, अल्लाह वहां पर अपने रहमत नहीं भेजेंगे, वहां पर अपना आजाब ही भेजेंगे। कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन मकबूल है वो सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम के अलावा कोई दीन, कोई मजहब, कोई धर्म अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे, चाहे वो शियों की जमात हो, चाहे वो यहूदियों की जमात हो, चाहे वो नसरानी हो, कोई भी जमात हो, अल्लाह ताला अगर कबूल करेंगे सिर्फ इस्लाम को कबूल करेंगे। अल्लाह ने हर जमाने में, हर कौम में, हर जगहों में, हर जिलों के अंदर, हर बस्ती के अंदर और हर एक एरिया के अंदर अल्लाह ताला ने अपने एक नुमाइंदे को कायम किया है, नुमाइंदा भेजा है, चाहे वो पैगंबर की शक्ल में हो, चाहे पैगंबर के वारिसीन की शक्ल में हो यानी उलमा की शक्ल में हो, अल्लाह ताला ने अपने एक निज़ाम मजबूत करने के लिए कुरान करीम को नाजिल किया, इसमें सारे अहकाम दे दिए। कुरान करीम के अंदर नमाज का हुक्म है, लेकिन नमाज का तरीका नहीं है, अजीब बात है ये, जिसकी अहमियत ज्यादा है। नमाज दीन का एक सुतून है, नमाज नबी अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, लेकिन हमें ये सवाल हो सकता है यहाँ पर कि नमाज जब इतनी अहम इबादत है, लेकिन उसका तरीका किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुरान करीम में कोई इसका वाज़ह सबूत नहीं है। इसका तरीका आपको हदीस पाक के अंदर मिलेगा, रोज़े के कुछ जिक्र है कुरान के अंदर, लेकिन तरीका हदीस पाक में मिलेगा।
हज के बयान कुरान करीम में है, चैप्टर है कुरान करीम के अंदर, लेकिन तरीका हदीस पाक में मिलेगा। इसी तरह ज़कात के कुछ चैप्टर कुरान करीम में है, तरीका हदीस पाक में मिलेगा, लेकिन हदीस पाक के अंदर तो बहुत सारी बातें हैं, कुरान करीम में क्या है? फिर 30 पारे हैं, क्या है उसके अंदर, क्या बयान किया गया है? कुरान करीम में मसाइल बयान किए गए हैं, मामलात के ऊपर, लेन देन के ऊपर, औरतों के हुकूक के ऊपर, शौहर के हुकूक के ऊपर, किस औरत से निकाह कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, कौन सी औरतें इंसान के ऊपर हराम है, कौन सी औरतें हलाल है, ये इसको कुरान ने हाईलाइट किया है। अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर एक ऐसा फजल किया कि औरतों के नाम से एक मुकम्मल सूरत उतार दी, सूरह निसा 12:4 के अंदर है सूरह निसा, अल्लाह ने औरतों के नाम पे ना उतारी, निसा का माना ही होता औरत, लेकिन मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं है, कुरान करीम में कोई पारा नहीं है। तो अल्लाह ने औरतों को एक मकाम दिया है, औरतों को मकाम दिया है। मामलात के ऊपर ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, फौरन नबी नहीं बने, 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 10 15 20 35 40 40 साल के बाद अल्लाह ने वो मकाम नबी को दिया कि आप नबूवत के मकाम पर फाइज हैं, अब आप नबी बन रहे हैं 40 साल मुकम्मल होने के बाद। नमाज का हुक्म जो उतरा 40 साल के बाद उतरा, रोजे का हुक्म उतरा 40 साल के बाद उतरा, हज का हुक्म उतरा 40 साल के बाद, जकात का उतरा 40 साल के बाद, कुरान खुद नाजिल हुआ 40 साल पर, ऐलान नबूवत के साथ उतरा, तो 40 साल के बाद सारा काम हुआ, सारी इबादतें 40 साल के बाद अल्लाह के नबी ने लोगों को बतलाई। तो 40 साल तक क्या करते रहे अल्लाह के नबी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 40 साल कोई कम मुद्दत नहीं है, 40 साल में इंसानों की जिंदगी तमाम हो जाती है, 40 साल में इंसान के ऊपर बुढ़ापा छाना शुरू हो जाता है, 40 साल में लोग तो कितने घाटों के पानी पी चुके होते हैं 40 साल में। सवाल यह हो सकता है कि 40 साल के बाद जब सारा हुक्म नाजिल हो रहा है कि अब नमाज पढ़ो, अब जकात दो, अब हज करो, रमजान आए तो रोजा रखो, नफली इबादत करो, शबे कदर अब है, शबे बरात अब है, जब 40 साल के बाद सारे अहकाम, उससे पहले कुरान भी नहीं था, तो क्या था? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे 40 साल तक? बहुत बड़ा सवाल है ये, लेकिन जवाब भी उतना ही आसान है, जिसको मालूम है उसके लिए जवाब बहुत आसान है, लेकिन ये एक सवाल ऐसा है कि हमें इस सवाल के जवाब को सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना है। तो 40 साल तक अल्लाह के नबी ने दुनिया में आकर क्या किया? जवाब ये है कि 40 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन को पेश करने से पहले अपनी जात को पेश किया, अपना कैरेक्टर पेश किया, लोगों को अपनी जात दिखाई, लोगों के अपने किरदार दिखाए, अपना कैरेक्टर दिखाया कि मैं इस औसाफ का हामिल हूँ, मेरे अंदर ये औसाफ है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मैं कभी लोगों को गाली नहीं देता, मैं कभी लोगों को परेशान नहीं करता, लोगों के ऊपर कभी जुल्म नहीं करता, लोगों का माल कभी गलत तरीके से नहीं हड़पता, कभी सूद नहीं खाता, और कभी किसी को किसी बात पर तनकीद नहीं करता, किसी की जासूसी नहीं करता, किसी की आयब जोई नहीं करता, किसी के ऊपर लान तान नहीं करता। 40 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बताया है कि अभी नमाज का नहीं, अभी जकात का वक्त नहीं था, अभी हज का वक्त नहीं, अभी रोजे का वक्त नहीं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे देख लें, मेरी जात को देख लेंगे, तो आप मेरी सारी बातें फिर बाद में मानेंगे। 40 साल तक लोगों ने अल्लाह के नबी को देखा है, उनका बचपना देखा है, उनकी जवानी देखी है, और जवानी के बाद की जितने अय्याम गुजरे हैं लोगों ने देखा है,
मानने वालों ने भी देखा है, ना मानने वालों ने भी देखा है, जिनके सामने कुरान करीम उतरता था उन्होंने भी देखा है, 40 साल तक देखा। देखने का दिखाने का मकसद ये था कि लोग 40 साल तक अल्लाह के नबी की जो मोहब्बत है, जो अखलाक है, जो ताल्लुकात है, जो मामलात है, उसे देखने के बाद उनसे एक किस्म की मोहब्बत पैदा हो जाए, एक उनसियत पैदा हो जाए। आज इंसान को आप देखें, घरों में जानवर पालते हैं, सभी पालते हैं, आम हो चुका है, कोई बिल्ली पालता है, कोई डॉग पालता है, कोई पैरट पालता है, कोई हर एक किस्म की जानवर पालते हैं, चिड़िया और इसी तरह मुर्गियां कोई पालता है, पालते पालते कोई बकरियां पालता है, कोई जानवर कोई भैंस पालता है, गाय पालता है, पालते पालते कई अय्याम उसके ऊपर गुजरते हैं, उससे एक किस्म की मोहब्बत हो जाती है इंसान को, इंसान का दिल उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। घरों में बिल्ली पालते हैं, उसका दिल उसके साथ लग जाता है, अब जब वो कहीं जाए तो उसको साथ में लेके जाता है। घरों में अगर कुत्ते पालते हैं तो उससे एक किस्म की मोहब्बत हो जाती है, इतना अरसा रहा। जो इंसान जानवर को पाल कर ज़बह करने के ज़बह करता है बकरीद के दिन, उसका दिल तैयार नहीं होता कि वो ज़बह कर दे, वो कहता है भाई मेरी बड़ी मेहनत रही है इसमें, मैंने इसके पीछे खाने के पीछे खर्चे किए हैं, इसके नखरे उठाए हैं, इसको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है, आज कुर्बानी का दिन है, आज मैं इसे ज़बह कर दूँ, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। जानवरों से जब इंसान को इतनी मोहब्बत हो सकती है तो वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए दुनिया को बनाया, जिसके लिए आखरत को बनाया, जिसके लिए ज़मीन को सजाया, जिसके लिए आसमान को बिछाया, तो उससे लोगों को कैसे मोहब्बत नहीं हो सकती। वो भी 40 साल तक लोगों को मोहब्बत हुई, ज़माने ने देखा है, तारीखों ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, लोगों को मोहब्बत हुई अल्लाह के नबी से, और ऐसी मोहब्बत हुई कि अपनी अमानत भी अल्लाह के नबी के पास रखवाते थे। कहीं सफर में अगर कोई जा रहा है, कोई कीमती सामान है, कहाँ रखना, चलो मोहम्मद के पास रख देते हैं, बड़ा अमीन है, सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, कोई मामला करना हो चलो अल्लाह के रसूल से करते हैं मामला। उनके इतने सारे चचा है, उनमें से कितने गैर ईमान है जो इस्लाम लाए नहीं, अबू जहल है, निकम्मा बदबख्त ईमान नहीं लाए, चचा है, उन्होंने भी उनका बचपन देखा, अबू तालिब है, इन्होंने बहुत साथ दिया, बाद में भी मरते दम तक इन्होंने साथ दिया, अबू लहब बचपन देखा है, लेकिन 40 साल तक जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश किया, फिर जब अल्लाह ने उनको एक मकाम दिया, नबुवत का एक मकाम दे दिया कि अब आप लोगों के अंदर ऐलान कीजिए कि कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है, अब आप लोगों के सामने मेरी तारीफ बयान कीजिए कि रब एक है, पालने वाला एक है, खिलाने वाला एक है, सांस देने वाला एक है, जिस्म में रूह रखने वाला सिर्फ एक है, मौत देने वाला एक है, सब कुछ वही कर रहा है, ये लोगों में ऐलान कीजिए। जब ये सारी बातें लोगों के सामने आई तो 40 साल की मोहब्बत को मिनटों में उन्होंने ख़त्म किया, ख़त्म किया, और नफ़रत अपने दिलों में पैदा किया, अपने दिल में अल्लाह के नबी की नफ़रत उन्होंने बैठा ली कि ये आदमी 40 साल तक सही था, अब ये बिगड़ गया, उन्होंने ताना दिया, हम कुरान करीम को नहीं मानेंगे, हम आपकी बात क्यों माने, क्यों? कुरान करीम में दो चीज़ों का जिक्र है, दो चीज़ों का हुक्म है, एक अच्छाई की दावत देना, एक बुरे काम से रोकना। अच्छाई की दावत इंसान एक दूसरे को देता रहता है, लेकिन जब इंसान बुराई से रोकने पे आ जाता है तो उसके 10 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। मानने वालों की गारंटी नहीं है कि कोई मानेगा, लेकिन मुखालफत की गारंटी है कि इंसान दुश्मन ज़रूर बन जाएगा। किसी को आप बुरे काम से रोक कर देखे, आपको तजुर्बा होगा। अल्लाह के नबी ने लोगों के सामने ये कहा कि तुम बुतों की इबादत छोड़ो, उनको झटका लगा कि 40 साल तक आपने ये बात नहीं कही, 40 साल तक हम ये करते हुए आए हैं और आपने हमें देखा है पत्थरों को पूजते हुए, आज आप कह रहे हैं कि बुतों की इबादत छोड़ दो। उन्हें झटका लगा और उन्होंने फौरन इनकार किया, हम इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह को हम नहीं मानेंगे, आपको भी हम नहीं मानते। एक मरतबा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ ले गए,
ले जाने के बाद तमाम कबीले वालों को उनके नाम पुकार के बुलाया। जितने कबीले वाले थे वहां पे, जितने बस्ती वाले थे, तमाम के नाम पुकार पुकार के सबको जमा किया पहाड़ के ऊपर। जमा करने के बाद उनसे कहा कि अगर मैं ये कहूं कि एक दुश्मन की जमात, एक दुश्मन का एक ग्रुप है जो आप लोगों के ऊपर हमला करने वाला है, क्या आप इस बात को मान लेंगे? तमाम लोगों ने जवाब हाँ का जवाब दिया कि हाँ जरूर हम आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप धोखा नहीं देते, आप गाली नहीं देते, आप कभी गलत बयानी से काम नहीं लेते, हम आपकी बात को सर आंखों पर रखते हैं, हम मान लेंगे कि एक ग्रुप ऐसा भी है, एक जमात है जो हम पर हमला आवर होने वाला है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि वो जमात तुम्हें हलाक कर देगी, क्या तुम मानोगे? कहाँ मानेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, तुम बुतों की इबादत छोड़ो और अल्लाह की इबादत करो। फौरन लोगों ने तफसीरें चालू कर दिए। अबू लहब ने कहा अली हादा जमातना या मोहम्मद, अली हादा जमातना या मोहम्मद, हे मोहम्मद क्या आपने हमें इसीलिए जमा किया है कि आप एक रब की दावत देंगे, इस्लाम की दावत देंगे, दीन की दावत देंगे, इसलिए मुझे जमा किया है? कहा कि तब्बन लगाया मोहम्मद, आपके लिए हलाकत हो। अल्लाह ताला ने उसी अल्फाज के जरिए कुरान करीम में उसके लिए बद्दुआ किए। क्या सूरह लहब पढ़िए, तब्बत यदा अबी लहब। कुरान करीम ने कहा कि अबू लहब के हाथ हलाक हो, दोनों हाथ हलाक हो जाए। मा अबना अनहु मालहु वमा कसब, अबू लहब के माल ने उसे ना कोई फायदा दिया, ना उसने जो कमा कर जमा किया ना उसे उसने कोई फायदा दिया। बिलाखिर अबू लहब का अंजाम बड़ा खराब हुआ, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन था अल्लाह के नबी का। दुश्मनी किस बात पे हुई? बुराई से रोकने पर हुई। मकसद था कि आप हमें बुरे काम से क्यों रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, बस यही मकसद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर कोई दीन कबूल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। लेकिन आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में रह रहे हैं, जब सरजमीन के अंदर और जमीन के दीवार के अंदर जब इंसान बुराई करेगा और उसको नापाक करेगा अपने अफाल से, अपने किरदार से, तो उस जमीन के अंदर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, अल्लाह का आजाब उस जमीन में उतरता है। आज हमारे ऊपर इतने हालात क्यों आ रहे हैं? तरह तरह की मुसीबतें आज हमारे ऊपर क्यों है? क्योंकि हमारे किरदार सही नहीं है। आज के मुसलमानों के किरदार और उनके अखलाक, उनके मामलात बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए आज हमारे ऊपर हालात आए हुए हैं। तो जैसा इंसान अपने किरदार को और अपने नामे आमाल को पेश करेगा अल्लाह के सामने, वैसे ही फैसले अल्लाह की तरफ से आएंगे। ये समझिए कि आज जो हालात चल रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जो हालात चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं मस्जिदों के लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, आप खबरों में देख रहे हैं। अभी फिलहाल ही एक मस्जिद है रियान वाबी मस्जिद, उसको लेकर सर्वे का काम चालू है। भाई सर्वे क्यों हो रहा है? उसको लेकर सर्वे का काम चालू है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पहले मंदिर था, या ये कि मंदिर की जमीन थी, या ये कि ये हुकूमत की जमीन थी, इसमें मस्जिद की तामीर की गई है। तो जब मस्जिद की तामीर की जा रही थी तो आप क्या घर में चाय भी रहते हैं? उस वक्त क्यों नहीं आए? बाबरी मस्जिद का हाल देखिए, ये क्यों हो रहे हैं मसाजिद को लेकर खेल, मस्जिदों को लेकर आज खिलौना बनाया गया है। ये तो एक हमारे लिए काबिले गौर है, हमें गौर करना चाहिए कि आज हमारे ऊपर ये हालात। मदारिस के ऊपर देखिए, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ मदरसे में भी हमले हो रहे हैं। हुकूमत की जायदाद आप इसे खाली करें, कुरान करीम को दफनाया जा रहा है और तरह तरह के आजाब आज मुसलमानों पे आ रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार आज हम खुद हैं, कोई और नहीं है, हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है। आपको मैं एक वाकया सुनाता चलूं।
एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक जमाना ऐसा था जिस जमाने में हलाकू खान, आपने सुना होगा ना, हलाकू खान और उसका एक बहुत चर्चा था उस जमाने में, एक रौब था, उसकी जो औरतें थी उनका भी एक रौब दुनिया में चलता था। उस जमाने में करीबन 18 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया सिर्फ 3 दिन में। कितने दिन में? सिर्फ 3 दिन में 18 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया। आप अंदाजा लगाइए, एक दिन में 6 लाख के हिसाब से कत्ल हुए मुसलमान एक दिन में। उस जमाने में मुसलमानों के ऊपर हालात ऐसे आ गए थे। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ऐसा मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो गया था और ऐसा डर बैठ गया था उस जमाने में कि मुसलमान जिस रास्ते से गुजरता था, औरतें उनसे कहती कि तुम यहाँ रुको, मैं अभी हथियार लेकर आती हूँ तुम्हें कत्ल करने के लिए, तो उस मुसलमान की हिम्मत नहीं कि वहां से वो भागे। ऐसा जमाना आया था, मुसलमान ऐसे मगलूब हो गए थे, ऐसे पस्त हो गए थे। लेकिन उसी औरत ने घोड़े के ऊपर सवार होकर सफर करना शुरू किया। सफर करते हुए देखा कि एक झोपड़ी के करीब बैठकर एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसने कहा कि ये कौन है, बुलाओ इसे मेरे पास, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि अल्लाह की इबादत ये कर रहा है, वो भी मेरी मौजूदगी में। वो औरत उस बुजुर्ग के पास गई, घोड़े में बैठी हुई है, बुजुर्ग उनके नीचे है, बुजुर्ग की जो दाढ़ी है उसके चप्पलों से टकरा रही थी। घोड़े के ऊपर औरत बैठ के ऊंचाई में, बुजुर्ग नीचे बैठे हुए हैं। उसने सवाल किया, औरत ने कहा कि मैंने सुना है कि मुसलमान के साथ अल्लाह ताला है और जिसके साथ अल्लाह ताला रहते हैं अल्लाह ताला उसे कामयाब करते हैं। बुजुर्ग ने कहा बात बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला जिसका साथ देंगे अल्लाह उसे कामयाब जरूर करेंगे। तो औरत ने कहा कि अभी कामयाब तो हम लोग हैं, कामयाब हम लोग हैं, तो आप मान लीजिए कि अल्लाह ताला आपके साथ नहीं हम लोगों के साथ है। बुजुर्ग ने कहा नहीं, हम लोगों के साथ अल्लाह ताला है, आपके साथ नहीं है। एक बुजुर्ग ने एक मिसाल दी उनको कि जिस तरह उस जमाने में मालदार आदमी वही होता था जिसके पास जितने जानवर हो, जितनी बकरी इंसान के पास हो, जितने मवेशी हो, जितने ऊंट इंसान के पास होंगे वो उतना मालदार शुमार किया जाता था उस जमाने में। तो उस औरत के पास तो हुकूमत थी, मालदारी थी, जानवर भी थे। तो बुजुर्ग ने कहा कि आपके पास जानवर है? कहाँ जानवर है, कितनी तादाद में है? फला फला तादाद में है, 10,000 है, 20,000 है। बुजुर्ग ने कहा कि जानवर को एक आदमी चरवाहा, 2-3 चरवाहे इतने जानवर को नहीं संभाल सकते, 10,000 की तादाद में जानवर है तो एक आदमी कैसे उसको हैंडल करेगा, जाहिर है वो जानवर इधर उधर भाग जाएंगे। तो उसने कहा कि हम लोग जानवर को संभालने के लिए कुत्ते रखते हैं, तरबियत याफ्ता शिकारी कुत्ता जिसे तालीम दी जाती है, ऐसा कुत्ता जिसे सिखाया जाता है। तो उस औरत ने कहा कि हमारे पास इतने इतने कुत्ते हैं, हम उसे निगरान बनाकर रखते हैं कि ये निगरानी करेंगे और जानवर कहीं नहीं जाएंगे बाहर। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई बात हमारी भी यही है, हम आज जो सरहद पार कर चुके हैं अल्लाह ताला ने तुम जैसे लोगों की मौजूदगी में हमारी निगरानी करवाना चाहता है, अल्लाह ताला तुम जैसी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम जैसे लोगों से जरिए हमारी निगरानी कराना चाहता है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारा हेयर स्टाइल, आज के बच्चों का हेयर स्टाइल कैसा है, यहूदियों की तरह है, बॉलीवुड एक्टर की तरह है, फिल्म अदाकारों की तरह है। आज के बच्चों का लिबास कैसा है, पैंट फटे हुए हैं, इतनी गुर्बत आ गई मुसलमानों के ऊपर, जींस फटे हुए हैं, उसी के ऊपर वो फख्र करते हैं कि आज हम एक काबिल हैं। अफसोस की बात है, जब इंसान 2 तरह के बाल काटता है सरों के ऊपर, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नहीं आती, अल्लाह का गजब उसके ऊपर आता है और इंसान फासिक और फाजिर शुमार किया जाता है। आज हम लोगों को सुधरने की जरूरत है,
जब आपने हाल ही में देखा कि ऐसे मुसीबत आए हमारे ऊपर कि हमें ये तक कहा गया कि मुसलमानों को आज जमीनों से निकाल दिया जाएगा। NRC आपने देखा, CAA और तरह तरह की मुसीबतें आपने देखी है। तो ये जो NRC की बातें हैं बहुत पुरानी बातें, इसे उठाना भी नहीं चाहिए। मैं एक बात कहता चलूं कि अल्लाह की जो नुसरत हमारे साथ है, अल्लाह ताला ने उस जमाने में भी ये दौर दिखाया है लोगों को कि नबी के दौर में, शुएब अलैहिस्सलाम के दौर में और जितने नबी आए हैं सबको लोगों ने ये कहा कि हम आपको अपनी सरजमीन से निकाल कर रहेंगे, आपके साथ जितने ईमान वाले हैं, जितने मोमिनीन हैं, हम आपको अपनी सरजमीन में टिकने नहीं देंगे अगर आप अल्लाह का नाम लेंगे, अगर आप दीन और इस्लाम की बातें करेंगे। लेकिन अल्लाह ने उनको भी दिखाया है, उनकी भी नुसरत अल्लाह ने की है। आज हमें सुधरने की ज़रूरत है। ये कुछ इज्तिमाही बातें हैं, ये कुछ मोटा माटी बातें हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि हम जो मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, तो इस्लाम क्या चीज़ है हमें क्या पता, ईमान क्या चीज़ है हमें क्या पता, तो आज उसको सीखने की ज़रूरत है। हदीस पाक के अंदर है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी की मजलिस लगी हुई थी। मजलिस में यकायक एक आदमी आया, आदमी ने आकर अल्लाह के नबी के सामने बैठने की कोशिश की, बल्कि वो बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों से मिलाकर अपने जानों को उसने रखा और बैठ गया और उनके रान पर हाथ रख के बैठा। सारे लोग ये देख रहे हैं कि ये आदमी बिल्कुल नया आदमी है, हमने आज तक इससे पहले इस आदमी को नहीं देखा। लेकिन ये आदमी भी ऐसा है कि इसके ऊपर सफ़र के असर जाहिर नहीं हो रहे, ऐसा लगता ही नहीं कि यह मुसाफिर है। बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में, बाल बिल्कुल सियाह, नौजवानी का आलम है। वह आदमी बैठ गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे बतलाइए कि इस्लाम क्या चीज़ है, अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे बताइए इस्लाम क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, ये इस्लाम है। तुम नमाज पढ़ो, ये इस्लाम है। ज़कात दो, ये इस्लाम है। रमज़ान आए रोज़ा रखो, ये इस्लाम है। हज का महीना आए हज अदा करो, ये इस्लाम है। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा। सारे लोग परेशान हुए कि भाई ये आदमी सवाल भी करता है और ये भी कहता है कि आपने सच कहा, बड़ा ताज्जुब का मामला है। उसने सवाल किया दूसरा कि मुझे बताइए कि ईमान क्या चीज़ है, ईमान क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो और उसके रसूलों के ऊपर यकीन रखो, जितने रसूल भेजे, जितने पैगंबर भेजे, सारों के ऊपर यकीन रखो। उसकी जितनी किताबें हैं, तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो, कुरान मजीद हो, सब के ऊपर तुम्हारा यकीन होना चाहिए और आखिरत के दिन पर यकीन होना चाहिए, जिस दिन हम अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, जिस दिन हम मर जाएंगे, सारे लोगों को वहाँ जमा किया जाएगा, नबी होंगे, रसूल भी होंगे वहाँ पर, हमारे माँ बाप भी होंगे, हमारे पूरे ख़ानदान वहाँ पे होंगे। उस दिन के ऊपर तुम्हें यकीन रखना है और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर यकीन रखना है। इंसान की तकदीर, इंसान की किस्मत कभी ख़राब होती है, कभी इंसान की किस्मत अच्छी होती है, बैड लक गुड लक आप जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी यकीन रखना है कि यह अल्लाह का एक निज़ाम है। यह तकदीर का कोई मसला नहीं, यह अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जब चाहता है इंसान को बीमार करता है, जब चाहता है उसे शिफा दे देता है, लेकिन इंसान तकदीर को कोसता है, मेरी तकदीर ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। उसे ये नहीं पता कि अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह ने किसी मसलियत को देख कर ये बीमारी दी है। तो अल्लाह तो उस आदमी ने कहा, आपने बिल्कुल सच कहा कि ईमान यही चीज़ है। उसने कहा कि एहसान बताइए, एहसान क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है, अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराहू फ इन लम तकुन तराहू फ इन्नहु यराक।
कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जब तुम किसी इबादत को करने लगो, तो गुमान ये करो कि तुम खुद अल्लाह को देख रहे हो और तुम इबादत में हो। ये गुमान होना चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए कि हम खुद अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमारे सामने है, हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। लेकिन अगर तुम ये ख्याल ना कर सको, कम से कम इतना तो ख्याल करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इतना ख्याल होना चाहिए अल्लाह तुम्हें देख रहा है, यह एहसान। फिर उसने कहा कि आपने बिल्कुल सच कहा। चौथा सवाल उसने कहा कि कयामत कब आएगी कुछ बता दीजिए, कयामत की कोई तारीख बता दीजिए, दिन तारीख फिक्स कर दीजिए, कयामत फला तारीख को फला महीने में फला सन में फला हिजरी में आने वाली है, आप हमें बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मसूल अनहा बिअअलम मिन असाइल, सवाल करने वाले से ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं मालूम कयामत कब है। ये सिर्फ अल्लाह की कब्ज़ा कुदरत में है, अल्लाह के इल्म में है कि कयामत कब है, सिर्फ अल्लाह बता सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। चाहे वो बड़ा से बड़ा वली हो, चाहे बड़ा से बड़ा पीर हो, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। उस आदमी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, कयामत मत बताइए, लेकिन उसकी कोई निशानी बताइए, कयामत की कुछ निशानी बता दीजिए, जिसे देखकर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई आप कयामत हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ मैं उसकी निशानी आपको बताता हूँ, अंतरिद अमत रब बता। क्या कहा कि औरतें अपनी सेठानी को जन्म देगी। क्या मतलब, अजीब जुमला है ये, औरतें अपनी, औरतें जब बच्चे को जन्म देगी तो उसका या तो सेठ होगा या उसकी सेठानी होगी, उसकी कंपनी होगी। क्या मतलब कि ऐसा दौर छा जाएगा, ऐसा जमाना आ जाएगा कि बेटी अपनी माँ के ऊपर हुकूमत करेगी, बेटे अपने वालिदैन के ऊपर हुकूमत करेंगे, जो बेटी कहेगी वही माँ को करना पड़ेगा, माँ की कुछ भी नहीं चलेगी, ऐसा दौर आएगा। और अगर आ जाए, ऐसा दौर आ जाए, तो समझना कि कयामत अब करीब है, कयामत अब करीब है, जहाँ माँ की इज्जतों को पामाल किया जाएगा, जहाँ वालिदैन के हुकूक को ज़ाय किया जाएगा, अब समझ लेना कि कयामत करीब है। एक निशानी ये है, एक निशानी। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी ने बताई, रियाशाती यतफावलून फिल बुनियान, कि एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास पहनने के कपड़े नहीं होंगे, फटा पुराना कपड़ा होगा, उसके पैरों पे चप्पल नहीं होंगे, पहनने के लिए चप्पल नहीं, नंगे पैर वो घूमेगा, नंगे सर वो घूमेगा, जेब में पैसे नहीं होंगे, खाने के लाले होंगे उसके पास, लेकिन वो आदमी यतफावलून फिल बुनियान, वो आदमी बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर करता हुआ आपको नजर आएगा। अजीब माजरा है, इंसान के पास पैसा ही नहीं है, खाने को पैसा नहीं, पहनने को पैसा नहीं, लेकिन बिल्डिंग का मालिक बना हुआ है, बिल्डिंग तामीर कर रहा है। ऐसा आदमी अगर आपको किसी दौर में नजर आ जाए, तो समझ लेना कि अब कयामत करीब है, अब कयामत करीब है। आज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा, अल्लाह के नबी का जो फरमान है आज हू बहुत सादिक आया है। आज ऐसे लोग मार्केट में हैं, अगर आप उसे देखेंगे पता ही नहीं चलेगा कि ये बहुत बड़ा खानदान से है, बहुत रईस है, बहुत मालदार है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन आप उसका बैकग्राउंड चेक करें, बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी ये तो फला बिल्डिंग का मालिक है, कितने बिल्डिंगों का ये मालिक रह चुका है। तो ये कुछ अलामत है कि घरों में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने कयामत की, इंसान की मौत की दूसरी बात ये भी कही कि मेरी उम्मत की जो वक्त है दुनिया से जाने का, उसकी जो एक मुद्दत है, साल है, वो कितना है। इंसान 20 साल में मरेगा या 30 साल में मरेगा, ये किसी को पता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र उम्मती मिन 60 सनतन इला 70, मेरी उम्मत की उम्र, साल जिंदा रहने की जो साल, वो साल 60 से लेकर
70 के दरमियान तक है। इसके दरमियान में इंसान दुनिया छोड़कर चला जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि 60 से 70 साल तक मेरी उम्मत के लोग जिंदा रहेंगे, उसके आगे अगर अल्लाह का फजल रहा तो 100 भी पार कर सकता है, 120 साल भी जी सकता है। लेकिन उमूमन इंसान की दुनिया से जाने का जो वक्त है 60 से 70 के दरमियान है। ये हदीस पाक के अंदर इसको अल्लाह के नबी ने हाईलाइट किया है और ये तरगीब दिलाई है कि जब तक इंसान के पास जिंदगी है, दुनिया है, अल्लाह ने हयात से रखा है, हर काम ऐसा होना चाहिए जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे अल्लाह ताला खुश हो। ऐसा कोई काम इंसान से ना हो कि अल्लाह ताला उसके ऊपर नाराज हो, अल्लाह का गजब हमारे ऊपर नाजिल हो, ऐसा कोई काम हमसे सरजद ना होने पाए। देखिए इस्लाम ने कितना आसान किया है, नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता। नमाज के लिए कोई टिकट है भाई? फजर की नमाज की टिकट 20 रुपये टिकट है, टिकट कटाएंगे तो ही आपको नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं। किसी नमाज में कोई चार्ज नहीं है। अल्लाह ने कितना आसान किया है नमाज के लिए, औरतों के लिए तो और आसान है। आप घर में बैठ कर पढ़े और घर ही में पढ़ने का हुक्म है, नहीं कहा कि आप फलां बाजार में जाकर फलां मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे तो ही आपकी नमाज होगी। वो मर्दों का हुक्म है कि मस्जिद में नमाज कायम करें, औरतों को क्या हुक्म है? औरतों का हुक्म ये कि घरों में नमाज कायम करें। औरतों को यहां तक कहा गया वकरना फी बुयूतिकुन, कुरान करीम कहता है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। कितने अच्छे अल्फाज है, कुरान कहता है कि औरतें तुम अपने घरों में टिकी रहो। क्या मतलब? अपने घरों को लाजिम पकड़ो। अल्लाह ने उस जमाने में यह आयत नाजिल की जिस जमाने में उम्मुल मुमिनीन रहा करती थी, उम्महातुल मुमिनात जिस जमाने में रहा करती थी, उस जमाने में कहा कि तुम अपने घरों में रहो, घरों से बाहर ना निकलो और जमाने जाहिलियत की तरह यहाँ वहां ना फिरो। और जब बाहर जाने का इरादा हो तो अपने ऊपर कुछ चादरें ओढ़ लिया करो, यानी बापर्दा होकर निकलो घरों से। आज ये हाल देखा जा रहा है कि जितने कपड़े शॉर्ट्स हो रहे हैं उतना ही फख्र किया जा रहा है, उतना ही मॉडर्न बना जा रहा है। मॉडर्न बनने को लोग आज ये समझते हैं कि हम अच्छे हैं, अच्छे काबिल हैं और अच्छे मेयार के ऊपर है। नहीं, ये अफसोस की बात है, अल्लाह की नजर में वो औरत ऐसे ही गिरी हुई है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया है, जहां बाहर जाए बाजारों में जाए तो अपने आप को ढक कर जाए। क्यों? क्योंकि औरत कोई जीनत की चीज नहीं है। जीनत इंसान दिखाता है, रूनुमा करता है। जैसे कुरान ने कहा अल मालु वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, कि इंसान के बेटे लड़के मेल फीमेल नहीं मेल ये जो है और माल ये जीनत है, जीनतुल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी की जीनत ये है। ये इंसान 20 साल का है, इतना तालीम याफ्ता है। और कुरान कहता है वल बाकियातु सालिहात, उसके अलावा जितनी सारी चीजें हैं ये सब छुपाने की चीजें हैं, छुपाओ। कुरान ने कहा कि औरतों को भी छुपाओ, बाहर ना निकलने। तो आज हम चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, अगर हम इस हालात से गुजर रहे हैं कि हमारे ऊपर हुकूमत की तरफ से दबाव है, हमारे ऊपर ऐसे मुसीबत आए हुए हैं, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आज हम लोग हैं, कोई और नहीं है। हम अपने किरदार सुधारेंगे, हम अपने अखलाक अच्छे रखेंगे, लेन देन अच्छे रखेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ वैसा ही मामला करेगा जैसा उसने वादा किया है। मोमिनों से अल्लाह ने क्या वादा किया कि मोमिन तो वो है जिसको अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत अता करेंगे, कयामत के दिन जन्नत अता करेंगे, ये मोमिन है। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासव बिलहक वतवासव बिस्सब्र, कुरान कहता है कि ईमान लाने के बाद अच्छे अमल बहुत ज़रूरी है और उस अमल के अंदर इखलास हो, इखलास होना बहुत ज़रूरी है। रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। नमाज हम पढ़ रहे हैं तो रियाकारी नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे घर के अंदर बड़े मेहमान आए हुए हैं
इसलिए हम नमाज पढ़ रहे हैं ताकि वो हमारी तारीफ करके जाए। भाई हम तो नमाजी की घर में हमने दावत की ना, हम अगर कुछ पैसा किसी गरीब को दे रहे हैं, हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि वो हमें हमें ये कहे कि बड़ा मानदार आदमी है, नहीं, हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं, हर एक काम अल्लाह के लिए हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। अल्लाह ताला हम सबको इस अच्छे काम को आगे भी जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लेते हैं, उसके बाद आपको इजाज़त है। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی قبول فرما، یا اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جب انہوں نے حاضری دی ہے اور اپنا قیمتی وقت یہاں لگایا ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے اوپر جتنے ظلم اور مسلمانوں کے اوپر جیسے حالات آئے ہوئے ہیں ان تمام حالات کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفائے کاملہ عادلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے قرض کو ادا فرما، جو اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اور ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا، ہمیں اسلام کی مخالفت کرنے سے بچا، ابو جہل کی طرح نہ بنا، ابو لہب کی طرح نہ بنا، یا اللہ ہم سب کو خلفائے راشدین کی طرح بنا دے، تمام صحابہ کرام کی طریقے پر چلنے والا بنا دے، ان کی جیسے زندگی ہمیں بھی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تیری باتوں کو سننے کے لیے، یا اللہ دوبارہ اس طرح کا جلسہ اور پروگرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو زندہ جب تک ہے یا اللہ تا حیات ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں ہر طرح سے قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق ہمارے اچھے ہو جائیں، معاملات ہمارے اچھے ہو جائیں، کردار ہمارا اچھا ہو جائے، کریکٹر ہمارا اچھا ہو جائے، یا اللہ ہمیں ایسا نیک بنا دے، صالح بنا دے، یا اللہ نبی کا سچا پیار کرنے والا نبی سے بنا دے، سچا مومن بنا دے، کامل ایمان والا بنا دے، ہم سب کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله